जो नेक्स्ट स्पीकर है उन्हें मैं बुलाना चाहती हूँ, राजा काशिफ, एनालिस्ट मीडिया इंडस्ट्री, प्लीज स्टेज पर आइए। बहुत शुक्रिया। अल्फाज यकीनन साथ छोड़ जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि माएँ किस तरह पाल पोस के बच्चों को सरहदों पे भेजती हैं। यकीनन मुझे ये कहने में कोई यार नहीं, जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ इतवार की सुबह 8 बजे 7 बजे मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अगर दिसंबर की सर्दी में मैं किस तरह मेहनत से जाता हूँ, और मेरी माँ पूछती है कि इतनी सर्दी में जाके तुम एक मीडिया का काम कर रहे हो, तो यकीनन उन माओं को भी सलाम है, उन बहनों को, उन बीवियों को, जो सब जानती हैं कि हमारा शौहर किसी भी लम्हे एक नादीदा गोली आएगी और वो अपने पैरों पे वापस नहीं आएगा, फिर भी ना जाने वो कैसे भेज देती हैं, दिल पे ना जाने वो कौन सा पत्थर रखती हैं, लेकिन वतन इन्हीं शहीदों की, इन्हीं माओ की अजमतों की, इन्हीं बीवियों की हिम्मतों की, इन्हीं बच्चों की दुआओं की बरकतों से पाकिस्तान मौजूद है। और जब रियासत वजूद में आती है तो उसको बरकरार रखना उसके शहरियों का फ़र्ज है, लेकिन ना जाने क्या होता है, 9 मई मंगल का दिन 4 बजे जब मैं पिंडी सदर से गुज़रता हूँ मेट्रो स्टेशन की जाने, तो निगाहें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, एक शोर सा मचा है, जो रोज़ में गुज़रते हुए GHQ चौक के सामने से एक सिपाही की देखता हूँ, वो एक बच्ची को फूल दे रहा है, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, मैं वो देखता हूँ कि वो सिपाही का जो मुजस्मा है, इतनी नफ़रत, शायद इतनी नफ़रत आपने भर दी, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ तो ख्याल करें। मैं एक टीवी चैनल पे इंटरनेशनल बैठा हूँ, मुझे कहता है वो, इज़राइल घुस गया फ़लस्तीन में, हमारी ज़मीन है पाकिस्तान की ज़मीन, हम बने तो फिर हम कैसे आए। मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराता हूँ, कैसे आओगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस सरहदों के महाफिज, इस सरहदों की महाफिजों की माएँ, बीवियां, बच्चे आज भी दुआएं करते हैं। यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, 9 मई को तारीख याद रखेगी कि जब हमने इस वतन के शहीदों की का मजाक उड़ाया, हम वहां चले गए जहां से वापसी का रास्ता भी ना मिला। बहुत अफसोस की बात है, शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी नहीं होती। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है कि आप पॉपुलर हैं, आप शहीद के खून से जो उसने वतन की लकीर को ताहयात दमाम दिया है, आप वहाँ तक नहीं जा सकते, आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन माओं की आंसुओं के बराबर हो सकें, आपके अल्फाज में इतना ताकत नहीं है, आपके आपके बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि शहीदों के बच्चों के बराबर हो सकें, आपके बच्चे कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको यह हक नहीं पहुंचता कि उन शहीदों के बच्चों की आहें लें। यहीं पे बात ख़त्म करूंगा। यकीनन पाकिस्तान है, हम हैं, और हमें, हम पे कर्ज है इन शहीदों का, इनके बच्चों का, इनकी बीवियों का, इनकी माओं का, और आपको सलाम है। बहुत शुक्रिया।